हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं प्राणायाम के बारे में बता रही हूँ। प्राणायाम से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस प्रकार से उसी के अनुसार शॉर्ट में वीडियो होगा जो आपके लिए उपयोगी होगा। एंड दोस्तों, मैं योग क्या है, योग की उत्पत्ति कब हुआ और इसकी क्या क्या परिभाषाएँ हैं, एंड अष्टांग योग क्या है, इसके बारे में वीडियो बना चुकी हूँ। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, सीएलटी, राजस्थान पीटीआई, डीएसएफसी, कोई भी एग्जाम हो, सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे चैनल पे सभी वीडियोज हैं। सभी वीडियोज को वॉच करके आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। एंड दोस्तों, 100 से ज्यादा वीडियोज प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन पर बनाए गए हैं, जिसका प्रैक्टिस करना आप ना भूलिएगा। एंड दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे एमसीक्यू प्रैक्टिस चैप्टर वाइज देती हूँ, जिसमें से 2-3 दिन वीडियो नहीं बनाई हूँ। इसके बाद जस्ट मैं प्रैक्टिस से फिर से स्टार्ट कर दूंगी, तो उसको देखना ना भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं प्राणायाम क्या है। दोस्तों, जैसा कि हमारे शरीर में रहने वाली आवश्यक शक्ति को उत्प्रेरित, नियमित तथा संतुलित बनाना ही प्राणायाम का उद्देश्य होता है। यह शरीर को पवित्र करके ज्ञान का संचार करती है। इसे आत्मा का योग कहा गया है। जैसे शरीर को स्वच्छ रखने के लिए नहाना जरूरी है, शरीर की मांसपेशियों को दृढ़ रखने के लिए योगासन जरूरी है, उसी तरह मन की शुद्धि के लिए प्राणायाम आवश्यक है। जैसे सोना व अन्य धातुएं अग्नि में पिघलकर शुद्ध होती हैं, वैसे ही प्राणायाम द्वारा शरीर की इंद्रियां, यानी कि जो सेंस ऑर्गन्स होती हैं, ज्ञान इंद्रियां होती हैं, वह पवित्र होती हैं। प्राणायाम तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को भी मजबूती देता है। यह मन को केंद्रित करने की शक्ति बढ़ाता है, यानी एकाग्रचित होने की शक्ति को बढ़ाता है, किसी वस्तु पर आपका फोकस करने की शक्ति को बढ़ाता है प्राणायाम। जैसे कि दोस्तों, प्राणायाम मतलब सांस रोकना, इसका अर्थ होता है श्वास पर नियंत्रण ही प्राणायाम है। यानी हमारे श्वास पर नियंत्रण ही क्या है, प्राणायाम है। एक विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछा है कि प्राणायाम क्या है। सीधा सा आंसर है कि श्वास पर नियंत्रण ही प्राणायाम है। ठीक है, श्वास पर नियंत्रण ही प्राणायाम है। जैसे कि प्राण धन आयाम, दो शब्दों से मिलकर बना है प्राणायाम। प्राण का अर्थ होता है सांस, एंड आयाम का अर्थ होता है दो सांसों में दूरी बढ़ाना, यानी कि श्वास और निःश्वास की गति को नियंत्रण करके रोकने वह निकालने की क्रिया को हम प्राणायाम कहते हैं। जैसे कि दोस्तों, प्राणायाम के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से 3 घटक हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, हर बार पूछा जाता है कि प्राणायाम के 3 घटक कौन है। इसके 3 घटक हैं पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक में सांस अंदर लिया जाता है, एंड कुंभक में सांस कुछ देर रोका जाता है, और रेचक में सांस बाहर निकाला जाता है। यानी पूरक, कुंभक, रेचक, सांस अंदर लेना, सांस रोकना और सांस को बाहर छोड़ना। ठीक है, यही होता है प्राणायाम। सभी प्राणायाम में यही क्रिया होती है। ठीक है, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक में सांस को धीरे धीरे हम अंदर लेते हैं, एंड कुंभक में कुछ देर तक सांस को जो अंदर लिए है उसको रोके रखते हैं, एंड रेचक में श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्राणायाम करते हैं। जैसे कि दोस्तों, महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम के उन्होंने 4 भेद बताए हैं। ब्रह्म वृत्ति प्राणायाम, अभ्यांतर वृत्ति प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, एंड वाभ्यांतर प्राणायाम। इतना तो नहीं पूछेगा, बट यह पूछ सकता है कि महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम के कितने भेद हैं। तो 4 भेद हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एंड दोस्तों, प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सूर्य भेदन प्राणायाम यानी कि अनुलोम विलोम प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, उज्जायी प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, सितकारी प्राणायाम, समवृत्ति प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, प्लाविनी प्राणायाम, ब्राह्मणी प्राणायाम, एंड उद्विग्ध प्राणायाम। ये विभिन्न प्रकार के प्राणायाम होते हैं। जैसे कि दोस्तों,
प्राणायाम के शारीरिक शास्त्रीय मूल्य क्या है, यानी कि क्या लाभ है प्राणायाम करने से। तो प्राणायाम से नाड़ियों को शांत करके पूरे तंत्र को ठीक बनाता है। यह क्या करता है, नाड़ियों को शांत करके पूरे तंत्र को ठीक बनाता है। यह पाचन तंत्र को चुस्त करता है, नाड़ियों को मजबूत बनाता है तथा सानुष को साफ करता है हमारे अंगों को, एंड रक्त को ऑक्सीजन की ज्यादा आपूर्ति करता है। जैसे कि हम ज्यादा सांस लेंगे, रोकेंगे, छोड़ेंगे तो क्या है, रक्त को ऑक्सीजन की ज्यादा आपूर्ति करता है तथा व्यक्ति तरोताजा महसूस करता है। नाड़ियां शांत व स्वच्छ होती हैं। एंड प्राणायाम जिगर, स्प्लीन, पेंक्रियाज, उदर पेशियों को चुस्त बनाता है। एंड सीनस यानी कि जो मल द्वार होता है से मल निकाला जाता है तथा आंखों को कंठक मिलती है। प्राणायाम तंत्र को शिथिलता देता है तथा आंखों व कानों को आराम देता है। उच्च रक्तचाप तथा निम्न रक्तचाप के रोगियों को फायदा पहुंचाता है। यह शरीर को फिट तथा स्वस्थ रखता है। प्राणायाम लंबी आयु प्रदान करता है। यह स्मरण शक्ति प्रदान बढ़ाता है एंड दिमागी परेशानियां दूर करता है। यानी कि यह प्राणायाम जो है लंबी आयु प्रदान करता है। यह हमारी स्मरण यानी याद करने की क्षमता को बढ़ाता है। यह दिमागी परेशानियों को दूर करता है। यह नलिकाओं के पथ को साफ करके शरीर से चुस्ती हटाता है, सुस्ती हटाता है, क्या करता है, शरीर को सुस्ती हटाता है यानी स्वस्थ रखता है। प्राणायाम को लगातार करने से तंत्रिका तंत्र मजबूत बनता है, मन शांत होता है तथा ध्यान लाने की शक्ति बढ़ती है। प्राणायाम के लगातार प्रयोग से आत्मिक शक्ति मिलती है। यह आध्यात्मिक खुशी, रोशनी व मन को शांति देता है। यह खोपड़ी, श्वसन तंत्र व नासिका कैविटी को साफ रखता है। यह विंड पाइप यानी जो श्वास नली होता है उसमें जमा कफ को हटाता है तथा दमा का उपचार करता है। यह हृदय को मजबूत करके श्वसन तंत्र व संचार तंत्र को दुरुस्त करता है। यह रक्त को साफ करता है। तो ये सारे बेनिफिट हमारे प्राणायाम करने से होते हैं। इन सभी प्राणायाम अलग अलग वर्णन मैं करूंगी, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी मुख्य मुख्य बातें बताऊंगी, जिससे जितने भी MCQs हैं उसको पहले मैं बताऊंगी। एंड दोस्तों, शुद्धि क्रिया क्या है उसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं शुद्धि क्रिया के बारे में बताऊंगी। एंड दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल पे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए डेली बेसिस पे, एंड प्रैक्टिस करते रहिए। तो दोस्तों, फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।